हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल ओम यानी ओम एडिट्स पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टू इजी वे से बैकग्राउंड को इरेज कैसे करें। और उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी, उसका नाम है पिक्सार्ट। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और टू इजी वे का नाम है एक कटआउट में जाके और दूसरा ड्रॉ में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटआउट पर क्लिक करके हम फ्री क्रॉप पर जो पार्ट को रखना है उसको हम बॉर्डर कर देंगे हल्के से, पूरी तरह से अच्छे से बॉर्डर करके। राइट साइड पे एरो है, वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेसर के लिए क्लिक करेंगे और क्रिएटिंग स्टिकर हो जाएगा। बाद में आपको जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है वहाँ से अपनी तरह से ब्रश की साइज़ एडजस्ट करके आपको कर लेनी है। जो भी पार्ट बाकी रह गया है उसको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा हो गया है, उसको इरेज करके अपनी तरीके से साइज़ को कम करके, ओकोपेसिटी को कम करके कर देना है। अब हम जाएंगे सेव। तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब हम जाते हैं सेकंड ट्रिप पे। सेकंड ट्रिप का नाम है ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में जाके हम लेयर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इरेज पे जाएंगे। इरेज पे जाके साइज़ को कम ज़्यादा करेंगे और हम स्मूथ पे जाके भी कर सकते हैं ब्रश को, और वो हार्ड पे जाके भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो नहीं काम का है उसको हम बड़े साइज़ से कर देते हैं ताकि हमको आसानी पड़े। और थोड़ा नियरेस्ट है उसको हम ब्रश की साइज़ कम करके धीरे धीरे हम करेंगे। मुझे तो आता है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ। और आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपका बैकग्राउंड का मेन पार्ट वो कट ना हो जाए, इसलिए ध्यान से एडिट करना, पूरा जूम करके इरेज करके ध्यान से करना। और आपको कुछ भी स्टेप गलत हो गया हो तो बाजू में अंडू का ऑप्शन है, यानी कि बैक साइड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, रॉन्ग दिखाई दे रहा हो, उसके ऊपर उसके एक स्टेप आप पीछे कर सकते हो ताकि आपका जो गलत हुआ वो अच्छे से हो जाए। और बाद में आपको धीरे धीरे कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा है। और आपका कोई भी सवाल और सुझाव होगा मैं उसको जवाब दूंगा। और आपको फ़ोन नंबर या कुछ भी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपका सुझाव सवाल, और उसके मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो हो गया है। तो अब हम जाएंगे लेयर वाली ऑप्शन और ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और बंद कर देंगे। और बाद में इधर थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको बाहर राइट के नीचे, उस पर जाके सेव इमेज कर देना है। तो थैंक यू एंड वेलकम दोस्तों। से करेंगे सबका स्वागत।